नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT कला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के वाद्य यंत्र एवं वादक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके प्रमुख वादक देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा ये टॉपिक जो है छोटा है, लेकिन यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर देखिए। और जितने भी वाद्य यंत्र और उसके वादक प्रसिद्ध वादक हैं उनका तैयारी ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए आज का इस टॉपिक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख वायलिन वादक। तो भारत के प्रमुख वायलिन कौन बजाते हैं, उनका नाम क्या है, तो जो प्रमुख हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे, जो चर्चा में हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है वायलिन वादक में बिष्णु गोविंद जोग। प्रश्न में पूछा गया कि बिष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वायलिन वादक हैं। ठीक, एन राजन ये भी वायलिन वादक हैं, एल सुब्रमण्यम ये भी वायलिन वादक हैं, संगीता राजन भी वायलिन वादक से संबंध रखती हैं, और कुनकर्णी वैद्यनाथ ये भी वायलिन वादक से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो विष्णु गोविंद जोग, एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन और कुनकर्णी वैद्यनाथ ये सारे जो हैं प्रमुख वायलिन वादक हैं। ठीक, तो यहाँ इनका प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि विष्णु जोग किस वाद्य से संबंधित हैं, एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, संगीता राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सारे वायलिन वादक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रमुख बीड़ा वादन का अध्ययन करेंगे इसके बाद। तो भारत के प्रमुख बीड़ा वादक कौन कौन हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख नाम है देरो स्वामी अयंगर, बद्रुद्दीन डागर और के भागवतार, कल्याण कृष्ण भागवतार इनका पूरा नाम है, कल्याण कृष्ण भागवतार। तो देरो स्वामी अयंगर, बद्रुद्दीन डागर, के भागवतार, पूरा नाम कृष्ण, कल्याण कृष्ण भागवतार, ये क्या है, बीड़ा वादक है, ये प्रमुख बीड़ा वादक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं भारत के प्रमुख सितार वादक। तो भारत के प्रमुख सितार वादक में जो सितार वादक हैं प्रमुख, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, उमा शंकर मिश्र भारत के प्रमुख सितार वादक हैं। इसके बाद बार बार पूछा गया पंडित रविशंकर का नाम, कई प्रश्न पत्रों में पंडित रविशंकर का नाम पूछा गया है, तो पंडित रविशंकर कौन है, प्रमुख सितार वादक हैं। भारत के प्रमुख सितार वादक में पंडित रविशंकर का नाम सर्वोच्च लिया जाता है। इसके बाद निखिल बनर्जी ये भी सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी भी सितार वादक हैं। अगले कौन हैं, अगले हैं बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं, याद कर लीजिए इनका नाम, बुद्धादित्य मुखर्जी। अगले हैं साहित्य परवेज, ये भी प्रमुख सितार वादक की श्रेणी में रखे जाते हैं, साहित्य परवेज, बंदे हसन पूछा भी गया था, बंदे हसन प्रमुख सितार वादक हैं। विलायत खां ये भी नाम बहुत चर्चा में है, विलायत खां कई बार पूछा भी गया, तो विलायत खां प्रमुख सितार वादक हैं, याद कर लीजिएगा, विलायत खां प्रमुख सितार वादक हैं। तो प्रमुख सितार वादक कौन कौन हैं, भारत के उमा शंकर मिश्रा, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन, विलायत खान। उम्मीद है याद हो गया होगा आपको ये नाम। अगला देखते हैं, अगले हैं भारत के प्रमुख शहनाई वादक, वेरी इंपॉर्टेंट है, शहनाई वादक अधिकतर पूछा जाता है, और इसमें बिस्मिल्ला खां का नाम जरूर आता है, बनारस से संबंध है इनका, बिस्मिल्ला खान साहब का। तो भारत के प्रमुख शहनाई वादक में अगर देखें तो सबसे पहला नाम आता है दया शंकर जगन्नाथ,
दयाशंकर जगन्नाथ, ये दयाशंकर जगन्नाथ सेनाई वादक हैं। दूसरा नाम है बिस्मिल्ला खां, अभी इनकी चर्चा भी किए बिस्मिल्ला खां साहब की। अगला है अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां ये भी सेनाई वादक हैं। और इसके बाद अगला जो हम देखेंगे भारत के बांसुरी वादक, प्रमुख बांसुरी वादक, ठीक है। तो बांसुरी वादक में कौन कौन है, एन नीला, एन नीला ये बांसुरी वादक हैं। टी आर महानिगम ये भी बांसुरी वादक हैं। बी कुंजमणि ये भी बांसुरी वादक हैं। पन्ना लाल घोष ये पूछा भी गया है, ये भी बांसुरी वादक है। एक बहुत प्रसिद्ध नाम है हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये कौन है, बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना ये भी बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र कुलकर्णी, तो राजेंद्र कुलकर्णी राजेंद्र प्रसन्ना ये दोनों लोग बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक में कौन कौन है, एन नीला, टी आर महानिगम, बी कुंजमणि, पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत के प्रमुख तबला वादक, भारत के जो प्रमुख तबला वादक हैं उनका नाम जान लेते हैं। तो तबला वादक में सबसे पहला नाम जो आता है किशन जी महाराज का। किशन जी महाराज किससे संबंध रखते हैं, तबला वादन से, ठीक। और इन सबको, इनको जानते ही हैं सभी लोग, जाकिर हुसैन साहब को, ये प्रमुख तबला वादक हैं जाकिर हुसैन साहब। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा को भी सब लोग जानते हैं, प्रमुख तबला वादक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला नाम है सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह प्रमुख तबला वादक हैं। किशन जी महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर सिंह तबला वादक हैं। अगले नाम को देखते हैं, अगले नाम में फयाज खां, फयाज खां, फयाज खां तबला वादक हैं। गुदई महाराज ये पूछा भी गया है, गुदई महाराज किससे संबंध रखते हैं, तबला वादन से संबंध रखते हैं गुदई महाराज। लतीफ़ खां ये भी इम्पोर्टेंट है, IMP इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लतीफ़ खां किससे संबंध रखते हैं, तबला वादन से संबंध रखते हैं। तो भारत के प्रमुख तबला वादक में नाम किसका किसका है, किशन जी महाराज, याद कर लीजिए, किशन जी महाराज, जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर सिंह, फयाज खां, गुदई महाराज और लतीफ़ खां, ये भारत के प्रमुख तबला वादक हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला जो वादन है वो है संतूर वादक। तो संतूर वादक में देख लेते हैं, संतूर वादक में जो प्रमुख दो नाम हैं, एक पहला नाम है भजन सुपारी, भजन सुपारी, ठीक है, साथी संतूर साथी सुपारी, तो भजन सुपारी, ठीक, नाम याद कर लीजिएगा, भजन सुपारी संतूर वादक है। और शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा ये भी आपके संतूर वादक हैं, ठीक है। दो नाम बहुत प्रसिद्ध है, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा भारत के प्रमुख संतूर वादक हैं, ठीक है। तो दोनों नाम याद कर लीजिएगा, दोनों नाम इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, हो सकता है इस बार संतूर वादक में भजन सुपारी का नाम पूछा जाए। और चलते हैं अगला, और अगला जो वाद्य यंत्र है वो मृदंग है, ठीक है। तो मृदंग में देख लेते हैं, मृदंग में कौन कौन से नाम हैं। तो भारत के मृदंग वादक, मृदंग वादक, मृदंग कौन कौन बजाते हैं, उनमें पहला नाम है टीवी गोपाल कृष्णन, ठीक है। पहला नाम क्या है, टीवी गोपाल कृष्णन, टीवी गोपाल कृष्णन भारत के मृदंग वादक हैं, मृदंग वादक हैं। और दूसरा नाम है ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह ये भी भारत के प्रमुख मृदंग वादक हैं, ठीक। तीसरा नाम है जगदीश सिंह, जगदीश सिंह क्या है, ये भी भारत के प्रमुख मृदंग वादक है। तो तीन नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं और तीनों नाम का चर्चा यहाँ पर किया गया है, टी वी गोपाल कृष्णन, ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह, ये आपके भारत के प्रमुख मृदंग वादक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक थे उनका अध्ययन हम लोग ने किया। तो उन वाद्य यंत्रों में वायलिन वादक, बीड़ा वादक, सितार वादक, सहनाई वादक और तबला वादक, संतूर वादक और भारत के मृदंग वादक,
तो इतने वाद्यंत्र और इनके वादक जो प्रमुख वादक हैं उनका अध्ययन हम लोगों ने किया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।